बस लखनऊ लेके जाएगी, छोड़े जाएगी। हाँ तो देखिए, ये रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये प्रवासी मजदूर गुजरात में फंसे हुए हैं। अंकलेश्वर जो है जीआईडीसी से हम इसको निकाल रहे हैं, उसके बाद एक भाई के पास लेकर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये भाई क्या बोलते हैं। दादा बोलिए, आप खड़े हो जाइए। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमेठी। बताइए आपको क्या परेशानी है? अरे खाने वाने का नहीं है, 2 महीना से भाई। 2 महीना से खाने का नहीं है? आपका कंपनी पैसा देता है? पैसा कहाँ दे रही है, कितना दिन से पैसा नहीं मिला है? अरे 20-25 दिन से पैसा नहीं दे रही है। आप खाते कहाँ से हैं? मोल लाते हैं इधर उधर। इधर उधर से? ठीक है भाई, दूसरे आदमी से बात करते हैं। आप खड़ा हो जाइए। आपका घर कहाँ पड़ेगा भाई? हमारा घर भी रायबरेली ही पड़ेगा। रायबरेली पड़ेगा? हाँ। आपका भी वही दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हमने सरकार का जो भी है लॉकडाउन का अच्छा से पालन किया, अब हमारे पास पैसा नहीं है 2 महीने से, हम क्या खाएंगे? हाँ। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ना इधर कुछ मिल नहीं रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि मदद पहुँच रही है, मदद पहुँच रही है। हाँ। हमारे पास कुछ नहीं है अब खाने के लिए, बस कंपनी जो है हमारे पैसा 2 महीने पर करती है, परमेंट अभी तक परमेंट नहीं किया है। और खाने के लिए पैसा भी कंपनी नहीं देता है? नहीं, अभी कंपनी परमेंट किया ही नहीं है, जो राशन दे रहा था वो भी बंद कर दिया है। पेमेंट कितना दिन से बाकी है? अभी तो लगभग 2 महीना होने वाला है परमेंट के लिए। 2 महीना होने वाला है? हाँ। ठीक है, देखिए यहाँ 0 रिपोर्ट यही मिल रहा है ज़मीन पर। कंपनी वाला बात नहीं करता है, सुपरवाइजर आता नहीं है, सरकार के तरफ से कुछ मिलता नहीं है। एसरे का जो साइड इंचार्ज, इतना आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, 125 आदमी लगभग है, ये सब रायबरेली सुल्तानपुर अमेठी और कुछ आदमी बिहार का रहने वाला है। देखते हैं, एक भाई से और बात करते हैं। खड़े होइए तो भाई आप। आपका क्या नाम है? मोतीलाल। मोतीलाल, कितना दिन से पैसा नहीं मिल रहा है आप लोग को? पैसा तो 1 महीना से भी। 1 महीना से? कितना, किस महीने का पैसा बाकी है? मार्च महीने का पैसा बाकी है, अभी अप्रैल लास्ट होने वाला है, अभी पेमेंट ये लोग को नहीं मिला है। बताइए ये लोग कहाँ से खाएगा? सरकार के तरफ से, गुजरात सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, अब बाकी ये लोग को कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, ये लोग खाएगा कहाँ से आदमी? तो यूपी सरकार से यही अनुरोध किया जा रहा है कि भरूच जिला का अंकलेश्वर में जीआईडीसी पटेल नगर से 125 आदमी फंसे हुए हैं, ये सब अपना डिस्टेंस बनाकर पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ राशन देने नहीं आया, कोई जिला अधिकारी या नगर निगम का कोई नहीं आया। इसके बाद जो है ये लोग को कोई सुविधा नहीं है। 1 केजी 2 केजी आटा चावल लाते हैं, एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम के लिए सोचते हैं, फिर देखते हैं दूसरे आदमी से ये लोग क्या बोलता है। खड़ा हो जाओ भाई। कहाँ घर पड़ता है आपका? अमेठी। अमेठी, आपको पैसा वैसा मिला कुछ? पैसा वैसा नहीं मिला कि कुछ नहीं मिला। पगार 1 महीने का पहले हुआ था, उसके बाद कोई पगार नहीं दिया है। हाँ। और ना पैसा है, जो पैसा था वो ख़त्म हो गया खाने पीने में। कौन सा कंपनी में काम करते हैं? एचरक। ये कौन सा कंपनी है, कॉन्ट्रेक्टर है या प्लांट है? कॉन्ट्रेक्टर है। तो उस कौन सा कंपनी में आप काम कर रहे हैं? एचरक। एचरक कॉन्ट्रेक्टर किस कंपनी में काम कराता है? कंपनी में काम करती है। अच्छा, अतुल कंपनी या जीआईडीसी में काम करते हैं, एचरक कॉन्ट्रेक्टर है। ये कॉन्ट्रेक्टर भी नहीं आता है, पैसा देता है खाने के लिए? नहीं, खाने के लिए पैसा भी नहीं देता है। कहाँ से आप लोग खाते हैं? लोग जो पहले का था थोड़ा बहुत, तो उसी में से ला के थोड़ा थोड़ा खाते हैं, क्या करें। अच्छा ठीक है, तो ये रहा है आपका 0 ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि
सरकार बड़े बड़े दावा कर रही है कि हम खिला रहे हैं प्रवासी मजदूरों को, और यहाँ 150-125 आदमी फंसे हुए हैं GIDC अंकलेश्वर पटेल नगर में, और अतुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये लोग काम करते हैं। HRX कंपनी ये बम्बई का है जो कि कॉन्ट्रैक्टर है। ये लोग खाने के लिए एक पैसा नहीं दे रहा है। 10 दिन में बोलते हैं कोई आदमी ये 500 देता है, उसके बाद चला जाता है। तो ठीक है भाई, हम उत्तर प्रदेश सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जितने उत्तर प्रदेश और बिहार के आदमी फंसे हुए हैं उसको कृपया करके आप यहाँ से निकालने का कृपा कीजिए।